स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं धरातल या संरचना। पिछले लेक्चर में आवाज़ की क्लियर नहीं थी, अब की बार मैं वो आवाज़ क्लियर करके थोड़ा सा जो करवाया है उसको रिपीट करूँगा और आगे उसके बारे में आगे चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगा। हमारा सेकंड चैप्टर है धरातल या संरचना, जिसको बोलते हैं रिलीफ स्ट्रक्चर। भू आकृति के अनुसार हमने भारत को 6 भागों में बांटा है। भू आकृति के अनुसार हमने भारत को 6 भागों में बांटा है। फर्स्ट तो है इसमें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में सेकंड है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार थर्ड है इसमें उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान। इसके बाद में हमारा फोर्थ नंबर पे आता है तटीय प्रदेश। पांचवें नंबर पे आता है हमारा द्वीप समूह है। 1 हमने छोड़ दिया भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल ये भी कुछ बुक में दे रखा है, कुछ में नहीं दे रखा। ये भी इसका पार्ट आएगा भारतीय मरुस्थल। हमने भारत को भू आकृति के अनुसार 6 भागों में बांटा है। ये 6 भाग हैं इस प्रकार से। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। भारत के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो पामीर के पठार से निकलता है। पामीर का पठार विश्व की छत कहलाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इससे बहुत सारी पर्वतमालाएं निकलती है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ रहे थे उत्तर भारत की जो उत्तर पर्वतीय मालाएं होती हैं, इसमें हमने हिमालय को सबसे पहले हम पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में। हिमालय को हमने 5 भागों में बांटा था, वरित हिमालय। भौगोलिक विभाजन कर रहे थे हम इसका, भौगोलिक विभाजन। हिमालय का भौगोलिक विभाजन कर रहे थे। भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले हमने इसको वरित हिमालय में बांटा, फिर मध्य हिमालय। मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, लघु हिमालय भी बोलते हैं। लघु हिमालय के बाद में शिवालिक हिमालय। शिवालिक, शिवालिक के बाद में ट्रांस या तिब्बत हिमालय भी है। ट्रांस या तिब्बत हिमालय। और जो हमारा 5वें नंबर पे आता है पूर्वांचल, उसको बोलते हैं पूर्वांचल। जो हमारे पूर्वी क्षेत्र में है पूर्वांचल हिमालय। ये था हमारे हिमालय का भौगोलिक विभाजन। हम क्या पढ़ रहे हैं? धरातलीय संरचना। भू आकृति के अनुसार हमने भारत को 6 भागों में बांटा है। उत्तर में उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, प्रायद्वीप जो हमारा पठार है प्रायद्वीप का, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटीय प्रदेश, द्वीप समूह है, भारतीय मरुस्थल। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे थे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं में हमारा सबसे उत्तरी जो पर्वत है वो है हिमालय। हिमालय का हम भौगोलिक विभाजन कर रहे थे, जो ज्योग्राफिकल डिवीजन होती है ये। वरित हिमालय ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय को मिडल हिमालय बोलते हैं, शिवालिक को शिवालिक, ट्रांस को ट्रांस, पूर्वांचल को पूर्वांचल हिमालय। ये इसके 5 भाग हैं। ये हमने पढ़ लिया था। एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ।
इसको साफ कर देते हैं। ये हमने व्रत हिमालय बनाया था। क्या है ये? व्रत हिमालय। इसी को बोलते हैं महान हिमालय, इसी को बोलते हैं हिमाद्री, इसी को बोलते हैं केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं जिसको। ये ऐसे नहीं बनता भाई, ये ऐसे बनता है। ये है व्रत हिमालय। व्रत हिमालय इसको हम लिखेंगे। ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। नामचा बरवा, नामचा पर्वत तक हिमालय व्रत हिमालय है। इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर, इसकी लेंथ है लंबाई 2500 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है विड्थ, विड्थ है इसकी 25 किलोमीटर। हम पढ़ रहे हैं व्रत हिमालय के बारे में। व्रत हिमालय की लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, जो इसकी चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है। ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर नामचा बरवा तक अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यहाँ इसके एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। इन दोनों नदियों के बीच में ये व्रत हिमालय हमारा स्थित है। इस हिमालय में कई दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में अलग है, सिक्किम में अलग है। तो दर्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में तो दर्रा है बुर्जिल्ला, बुर्जिल्ला। उत्तराखंड में है थागला, नीति लेक, नीति लेक, लिपु लेक। ये किसमें है? जम्मू कश्मीर में। ये है उत्तराखंड में। ये आएंगे सिक्किम में। सिक्किम में कौन सा है? जलेपला। ये क्या है? दर्रे हैं जो कहाँ पे स्थित हैं? व्रत हिमालय में स्थित हैं। इसकी लंबाई बता दी, चौड़ाई बता दी, इसमें कौन कौन से दर्रे हैं ये बता दिए। अब इसमें क्या रहता है? ऊंची चोटियों के बाद में जो हमारा ये हिमालय है, इसमें कई ऊंची चोटियां हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8848 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो हमारे इसी हिमालय में स्थित है। और ये हिमालय अधिकांश वर्ष बर्फ से ढका रहता है, और इसमें कई बड़े बड़े ग्लेशियर भी हैं, और इनमें से बहुत सारी नदियां निकलती है। सिंधु नदी, सतलुज नदी, दिहांग नदी, सभी नदियां इसी में से निकलती हैं। इसके बाद में आता है ये व्रत हिमालय के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद में हमें पढ़ना है मध्य हिमालय के बारे में, ठीक है? मध्य हिमालय कौन सा होगा? व्रत हिमालय के बारे में इतना याद करके मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। मध्य हिमालय को हम क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। मध्य हिमालय को हम बोलते हैं लघु हिमालय। ये व्रत हिमालय हो गया। इसके दक्षिण में ही क्या है? मध्य हिमालय है। इसको बोलते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और इसकी जो चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर है, इसकी जो विड्थ है, विड्थ इसकी 80 से 100 किलोमीटर है, हाइट इसकी कितनी है? 3500 से 5000 मीटर।
मीटर में हाइट हमेशा मीटर में काउंट होगी। ये क्या है? किलोमीटर में जो इसकी हाइट है ये हमेशा मीटर में होगी। यह एक जटिल श्रेणी है जिसकी अनेक शाखाएं यत्र तत्र फैली हुई हैं। इसके कई अलग अलग रीजनल नेम हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर में इसको पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में इसको किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल में। उत्तराखंड में इसको नागडीबा नाम से जानते हैं। नेपाल में इसको महाभारत के नाम से जानते हैं। और भी इसके कई कई जगह पे अलग अलग नेम हैं, नागटिब्बा, मंसूरी, धौलाधार। हिमाचल में इसको किस नाम से जानते हैं? धौलाधार श्रेणी के। हिमाचल में इसको धौलाधार श्रेणी के नाम से जानते हैं। और जम्मू कश्मीर, इसमें कई दर्रे भी हैं, जैसे बनिहाल दर्रा, ये इसके अलग अलग रीजनल नेम हो गए। इसमें कई दर्रे भी हैं, जैसे बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ये इसमें क्या है? अलग अलग प्रकार के दो दर्रे हैं जो कहाँ पे स्थित हैं, पीर पंजाल और बनिहाल, ये दोनों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये कौन से हिमालय में है? मध्य हिमालय में है, मध्य हिमालय। इसके बाद में इसमें कई अपर्दित मैदान भी है जो हिमालय से भी पुराने हैं, जैसे अपर्दित मैदान जो हिमालय से भी पुराने हैं, अक्साई चीन। के बाद में एक नाम और है भाई, इसका क्या नाम है? दीपसांग और देवसाई। दीपसांग और देवसाई जो अपर्दित मैदान है ये हिमालय से भी पुराने हैं। ये कहाँ पे है? ये है मध्य हिमालय में। इसके बीच में भारत के अनेक पर्वतीय पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कि शिमला, मसूरी। इसमें कई पर्यटन स्थल भी हैं। कौन कौन से? शिमला, मंसूरी, नैनीताल। ये क्या है? पर्यटन स्थल हैं जो मध्य हिमालय में आते हैं। दार्जिलिंग, ये भी सारे इसी में आते हैं। इसके बाद में आता है थर्ड उप हिमालय, या इसको हम बोलते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय। इसके बाद में थर्ड आता है हमारा शिवालिक। शिवालिक, ये थर्ड हमारा है शिवालिक। इसको बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक के कई और नाम भी हैं। कई और नाम क्या क्या हो सकते हैं भाई इसके? उप हिमालय, बाह्य हिमालय, ये इसके उपनाम हैं शिवालिक के। बाह्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, उप हिमालय भी बोलते हैं। यह दोनों श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है। वरत हिमालय और मध्य हिमालय के क्या है? दक्षिण में स्थित है शिवालिक हिमालय। इससे दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान स्टार्ट हो जाता है भाई। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत का विशाल मैदान स्टार्ट हो जाता है। और पूर्व से पश्चिम की ओर फैली श्रेणी 15 से 50 किलोमीटर चौड़ी, 1000 से 1500 मीटर ऊंची है। इसकी जो विड्थ है 15 से 50 किलोमीटर है, जो इसकी चौड़ाई है, विड्थ 15 से 50 किलोमीटर है। जो इसकी हाइट है वो 1000 से 1500 मीटर है। जो हाइट है वो 1000 से 1500 मीटर है। कौन से हिमालय की? शिवालिक हिमालय की। चौड़ाई कितनी है? 15 से 50 किलोमीटर। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कहीं कहीं पर विस्तृत घाटियां पाई जाती हैं।
ये मध्य हिमालय है और ये शिवालिक है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कहीं कहीं पर घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहा जाता है। पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं किनको, जो घाटियां पाई जाती है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। पश्चिम में क्या कहा जाते हैं, दून, और पूर्व में क्या बोलते हैं इसको, द्वार। उदाहरण देंगे जैसे देहरादून, पोटलीदून, कोथरीदून और द्वार, जैसे हरिद्वार। पूर्व में क्या बोलेंगे इनको, हरिद्वार। ये कहाँ पे है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कई घाटियां पाई जाती हैं, उनके नाम हैं। और हिमाचल प्रदेश में इनको जो कटी फटी बंजर ढलानें होती हैं उनको चौ बोलते हैं। इसके बाद में आता है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय कहाँ पे है, तिब्बत हिमालय कहाँ पे है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सबसे श्रेणी के हिमालय के उत्तर में ये यहां पे आएगा, वो क्या है, ट्रांस हिमालय। ये थोड़ा अलग से प्रकार का है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय भी हम इसको बोलते हैं। ये सभी हिमालय श्रेणी के उत्तर में स्थित है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर, ऊंचाई 7100 से 5700 मीटर। इसकी जो लेंथ है 960 किलोमीटर, इसकी जो हाइट है कितनी है, इसकी हाइट 4100 से 5700 मीटर, 4100 से 5700 मीटर क्या है इसकी हाइट है, किसकी, ट्रांस या तिब्बत हिमालय की। सबके ये उत्तर में स्थित है। अपने मध्य में यह श्रेणी 225 किलोमीटर तथा पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर 40 किलोमीटर यह चौड़ी हो जाती है। यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों तथा भारत के उत्तर की ओर जिलों में गिरने वाली नदियों का जल विभाजक का कार्य करती है। इस श्रेणी से जो जल गिरेगा वो इस साइड में गिरेगा, वो इस साइड में गिरेगा, वो भारत के अंदर आएगा वो जल। ये क्या है, जल विभाजक का कार्य करती है। इसी क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली छोटी सी कराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसे तिब्बत पठार की रीढ़ कहते हैं। इसी का ही एक भाग है, जिसे तिब्बत का पठार भी, कराकोरम श्रेणी है, जिसे तिब्बत के पठार की ये रीढ़ है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टिन है, जो POK में स्थित है। K2 गाडविन आस्टिन पाक अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन आस्टिन। इसमें कई पीक हैं, सैंडल पीक, ब्रॉड पीक, हिडन पीक, कई ऊंची चोटियां और है जिसमें क्या है, हिडन पीक और ब्रॉड पीक, दो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, हिडन पीक और ब्रॉड पीक। इसमें कई तीन श्रेणियां और है, अगील, मुत्ताक, लद्दाख। इसमें तीन श्रेणियां और हैं, कुछ श्रेणियां भी हैं, एक तो है अगील, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख से ऊपर एक नाम और है, वो है मुजताग, मुजताग, मुजताग। ये क्या है, तीन श्रेणियां हैं, अगिल, लद्दाख, मुजताग। इसमें दो तीन पीक हैं, हिडन पीक और ब्रॉड पीक। और इसमें कई ग्लेशियर भी है जिनको हिमनद बोलते हैं, जैसे हिस्पर, बिफाओ, और दो तीन ग्लेशियर है, हिस्पर, बतूरा, बिफाओ, बाल्टोरा। कौन कौन सी इसमें ग्लेशियर है, हिस्पर, बटोरा, बिफाओ, ये क्या है, ग्लेशियर है, हिमनद जिसको बोलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं ये, इस श्रेणी में। कौन सी श्रेणी है, ट्रांस या तिब्बत, तिब्बत हिमालय का भाग है ट्रांस या तिब्बत। इसमें क्या है, सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टिन है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसमें कई प्रकार के हिमनद हैं,
स्पर, बिफाओ, बटोरा और इसमें कई और श्रेणियां भी हैं जैसे लद्दाख श्रेणी, अघिल श्रेणी, मुजताप श्रेणी, ये क्या है, इसमें श्रेणियां हैं। इसमें कई ऊंची चोटियां हैं जिनको हिडन पीक, ब्रियोड पीक, और इसकी हाइट और लेंथ के बारे में बताया मैंने। लंबाई है 960 किलोमीटर और जो हाइट है वो 4100 से 5700 मीटर। ये हमारा हो गया ट्रांस या तिब्बत हिमालय जो सभी के उत्तर में स्थित है। ये इस साइड वाली क्या होगी, उत्तर होगी, नॉर्थ बोलेंगे जिसको। ये क्या है, दक्षिण है, जिसको हम साउथ बोलते हैं। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट पूर्वांचल हिमालय। हिमालय की ये श्रृंखलाएं भारत के में पूर्व में आते आते समय इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण हो जाती है और ये इस तरह से फैलने लगती है और इन्हीं के कई यहाँ पे आके जो इनकी चौड़ाई है वो कम हो जाती है और ये भारत में पूर्व की दिशा में फैलने लगती है। हिमालय पर्वत यहाँ से ये ऐसे आया, एक धनुष के चाप की तरह के आकार का होता है हिमालय पर्वत, पर्वत की श्रृंखला, और बाद में आगे आके ये इस तरह से अपना फेस कर लेती है। इसको बोलते हैं पूर्वांचल, ये भी एक हिमालय का ही भाग है। यह भाग मुख्य हिमालय के पूर्व में स्थित है इसलिए इसको पूर्वांचल कहते हैं। इस भाग को पूर्वी उच्च प्रदेश अथवा पूर्वी पहाड़ियां अथवा उत्तर पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। इसके उत्तर पूर्वी हिमालय भी इसको कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इसके। इसको म्यांमार में अराकान युमा, नागालैंड में नागा हिल, मिजोरम में इसको मिजो हिल, अलग अलग रीजनल नेम है इसके पूर्वांचल के। तो आज के लिए मैं इतना ही कराऊंगा। ये पीछे वाली वीडियो ये जो मैंने रिपीट की है, शायद इसमें आपको आवाज़ मेरी थोड़ी ठीक लगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।